राउंड2हेल ने कम तो कर दिया, लेकिन एक जहां तक रिसर्च बताती हैं, एक जो ये गालियों का जो कारोबार है वो शुरू करने वाले भी। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देख लिया, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला, क्योंकि दीपक शर्मा जो कि जेलर है, शायद आपने इन्हें देखा हुआ, जो कि हमें एल्विश यादव केस में कई सारी अपडेट देते हुए नजर आए और ऐसे में कई सारे पोस्टकास्ट वगैरह भी करते हैं, लेकिन इन्होंने राउंड2हेल के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि सोशल मीडिया पर वाली क्लिप वायरल हो रही है, जहां पर ये बोल रहे कि भाई जो गालियां सबसे ज्यादा देती है वो राउंड2हेल देती है। लेकिन जब सामने वाला जो बैठा था जो पोस्टकास्ट के, उन्होंने बोला कि नहीं, राउंड2हेल ने काफी कम कर दी गाली, तो उसी पर उन्होंने बोला कि देखो जो गालियों का आविष्कार था वो राउंड2हेल ने की थी। अब वो किस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए। नहीं, राउंड2हेल कैरिमिनाटी आमिर, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वीडियो में सिर्फ न्यूडिटी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ एब्यूसिव लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ गालियों से फेमस है। बट सर, राउंड2हेल ने तो काफी कम कर दिया। नहीं, राउंड2हेल ने कम तो कर दिया, लेकिन एक जहां तक रिसर्च बताती हैं, एक जो ये गालियों का जो कारोबार है वो शुरू करने वाले भी शायद वही लोग थे। उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने उस बैटन को पकड़ा कि हम भी गालियां। जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख लिया होगा, दीपक शर्मा जो कि एक जेलर है, कई सारे पुरस्कार वगैरह भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट इंडिया जो कि सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके जरूर बताया कि उन्होंने सही बोला गलत बोला, और आपको क्या लगता है गालिया का आविष्कार राउंड2हेल ने क्या क्या कोई और भी मतलब गालिया वगैरह देते रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।